कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और सवाल उनके क्या थे, सर हमने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दिया था, सर पार्टनरशिप छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था वो। मैं क्लास में सजेस्ट करते ही था कि आपको एंटायर कवरेज करना है, बट स्टिल जो भी समय बचा है हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो मुझे रहा नहीं गया। तो आई थॉट कि मैं ट्रेंड एनालिसिस निकाल सकता हूँ एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी दे आर नॉट श्योर कि कौन सा कवरेज कर ले, जो भी प्रैक्टिकल टाइम पॉसिबल है उतने में कितना लॉ का कवरेज कर ले और क्या उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो गाइस ये देखो सीए फाउंडेशन लॉ का, वेयर यू कैन फ्रीज योर 50 मार्क्स। हम ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट में कहां कहां से यूनिट वाइज कितना कितना मार्क्स का सर आया है। ये कैन दिस कैन रियली हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज। थोड़ा कम समय होगा, आपको पता है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, मैंने छोड़ा था पर्टिकुलर एक चैप्टर छोड़ा था। अभी अगर कम समय है पूरा नहीं कवरेज कर पाओगे तो एटलीस्ट जिस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट वो कर सकते हो। रिकमेंडेड तो हमेशा यही रहता है कि एंटायर कवरेज होना चाहिए, बट स्टिल जितना भी समय है गाइस दिस विल रियली हेल्प यू। देखो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो सबको ही पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टीट्यूट भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट देती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से देखा गया है कि देखो पहले सबसे पहले मई नवंबर में जीरो मार्क्स का आया, चलो मई में नवंबर में 8 मार्क्स का, फिर जून नवंबर दिसंबर में दिखाई नहीं, फिर 13 मार्क्स का जनवरी में आ गया, फिर 3 अटेम्प्ट दिखाई नहीं, फिर और 4 और मार्क्स का ट्रेंड आ रहा है। तो इसको भी देख लो, आगे यूनिट देखो कितने इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन कुछ भी करके आप नहीं छोड़ सकते, अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइप पढ़ना चाह रहे हो ना तो कंसिडरेशन को आप छोड़ ही नहीं सकते, आप आने ही वाला है, ये अटेम्प्ट में भी आएगा। उसके बाद फिर आप देखो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से भी जनरली क्वेश्चन आता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है तो इसको भी आप 2 स्टार दे दो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से देखो देखा गया है कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा, उसके पहले फिर 3-3 अटेम्प्ट का गैप आया, फिर आ रहा है, तो कंपैरेटिवली प्रायोरिटीज की लेस कर सकते हो अगर टाइम समय कम है तो। फिर आता है कंटीजन एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिससे आते रहता है और मुझे लगता है ये अटेम्प्ट में वो आने वाला है। तो मैं अगर प्रायोरिटी आपकी सेट कर दूं तो आपको सबसे पहले ये तो करना ही चाहिए, ये भी करना चाहिए, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस करना चाहिए, कंटीजेंट, फिर यूनिट 5 एंड देन यूनिट 6। देखो ये फ्लो आप अपना सेट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, ये मैं पर्टिकुलर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सो ये आपको रियली हेल्प करेगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ, एक बच्चा बोला था सर अभी तक पढ़ा ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई क्या कर रहे थे, ठीक है अभी भी कम समय, तो रिविजन वीडियोज भी डाले हैं अकेडमी के चैनल पे तो आप दे सकते हो। अगर कोई बात नहीं, इसमें से आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना आपका दम है जितना टाइम समय वो हिसाब से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारी नजरों में के सामने आ गया है। देखो सर यूनिट नंबर 1 में अगर आप बात करोगे तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से कभी कभी पूछते हैं डायरेक्ट 6 मार्क्स का फिर आया है जून में, तो ठीक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के आपको लग रहा है सर कम आया है, चलो ठीक है, तो आप देखो उसकी प्रायोरिटी अपने हिसाब से करना। फिर कंडीशन एंड वारंटीज, मुझे लगता है इस बार इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और बचे हुए सेल्स ऑफ गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स है अनपेड सेलर, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो योर प्रायोरिटी शुड बी 1, 2, 3 एंड देन द यूनिट नंबर 1। सो गाइस देख लो ये ट्रेंड बताता है कि कैसे सर समझ में आएगा कि जहां पे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है एटलीस्ट मैं पहले उसको कवर कर लू, ठीक है। चलो सेल्स ऑफ गुड्स का आ गया, काफी अच्छा कंटेंट आता है, अगर आप देखोगे तो कम से कम 15-16 मार्क्स का आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें प्रायोरिटी भी अगर देखो जिसका ऑलरेडी कवरेज हो गया है बल्ले बल्ले आराम से पेपर दो, जिसका नहीं हुआ है टेंशन लेने के लिए, जो समय बचा है भाई उसमें थोड़ी स्ट्रेटेजी लगा लो, तो देख लो ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं किसके साथ, आगे बढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वो बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में देखो 4 मार्क का पूछा फिर नहीं पूछा, 4 मार्क का फिर नहीं पूछा, 2, 8 नहीं पूछा, 16 मार्क का डायरेक्ट पूछ लिया, 2, 4, 6 आ तो रहा है। देखो भाई अब 3 ही यूनिट है उसमें भी क्या प्रायोरिटी रहेगी, बट स्टिल अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आता है सेकेंड यूनिट से, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स से, कभी कभी तो 14, 10, 14, 12, 10, 14 इतने सारे मार्क्स का आया है, पूरी लड़ी लगाई है देखो इतने सारे मार्क्स का आया है, तो इसको तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना, सेकंड नंबर पे इसको रखना और थर्ड नंबर पे रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म को रखना। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, सकता है आप पहले ये 2 यूनिट करो और कॉन्ट्रैक्ट के बचे हो कर लो, इट विल डेफिनेटली इट इज वेरी सब्जेक्टिव, आपको जितना समय बचा है वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं सर 2 चैप्टर बचते हैं हमारे एलएलपी बिजनेस लॉस की हम बात करें तो एलएलपी आता है 5 मार्क का और कंपनीज एक्ट आता है 13 मार्क्स का। कंपनीज एक्ट को अच्छे से कर लो, छोटा चैप्टर है 13 मार्क देके जाएगा, तो चैप्टर वाइज भी इसकी प्रायोरिटी हाई रखनी चाहिए, और आखिरी में आपका आता है एलएलपी जो 5 मार्क का आता ही है। तो गाइस डेफिनेटली दिस ट्रेंड एनालिसिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन सर जो भी बचा मेरा प्रैक्टिकल पॉसिबल टाइम है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में सर मोटिवेट कर देना, सर अच्छा लगा और ऐसा टाइप का वीडियो है इससे तो कमेंट में बताओ और कैसा आपको हेल्प चाहिए मेरे एंड से। फिर उसके बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसके डिटेल्स दिए जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट एंड धूम मचा दो। बचे हुए 10 दिन है, ये 10 दिन आपके सीए फाउंडेशन का रिजल्ट बदल सकते हैं दोस्तों, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, अपने फ्रेंड्स को, जब मैं पढ़ रहा था सीए फाउंडेशन मेरा तो क्लियर हो गया था। कुछ बच्चे पहले बहुत मस्ती किए बट आखिरी में उनको रियलाइज हुआ, आखिरी के 10-15 दिनों में बहुत मेहनत करी, उनका रिजल्ट बदल गया, टेस्ट में फेल होते थे बट एक्चुअल रिजल्ट में पास हो गए। ये 10 दिन बहुत मेहनत कर लो, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, इट विल बी वर्थ इट आफ्टर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन। इंटर में आपको जाने के बाद बहुत मजा आने वाला है। 10 दिन खुद को दे दो, अपना बेस्ट दो, बाकी छोड़ दो। बाय बाय, टेक केयर।